गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है मेरी? ठीक है, लैपटॉप की स्क्रीन विजिबल है सबको? लास्ट टाइम जो हम डिस्कस कर रहे थे वो पाइला ग्लोबोसा की बॉडी के बारे में था, जिसमें हमने देखा कि इन केस ऑफ पाइला ग्लोबोसा द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इन टू थ्री पार्ट्स। वो थ्री पार्ट कौन कौन से थे? फर्स्ट हेड रीजन, सेकेंड फुट और थर्ड विसरल ऑर्गन, या जिसको विसरल मास के भी नाम से जानते हैं। वन बाय वन इन तीनों बॉडी पार्ट्स को डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले हेड रीजन की बात करते हैं। आपको लास्ट टाइम भी बताया था, हेड रीजन ऐसा बॉडी पार्ट है जो शेल से बाहर आ सकता है। इट कैन बी प्रोट्रूडेड आउटसाइड द शेल। इसके पास स्पेशल टाइप के टेंटेकल्स हैं। अगर आप इस फोटोग्राफ में देखोगे तो इस फोटोग्राफ में आपको टू पेयर ऑफ टेंटेकल, फर्स्ट पेयर ऑफ स्मॉल टेंटेकल, हेड रीजन के पास देखो नीचे नीचे, फर्स्ट पेयर ऑफ स्मॉल टेंटेकल जिनको लेबियल पल्प या फर्स्ट पेयर ऑफ टेंटेकल के नाम से जानते हैं, वहीं ये देखो सेकेंड, उसके जस्ट साथ ही सेकेंड पेयर ऑफ टेंटेकल जिनको ट्रू टेंटेकल के नाम से भी जानते हैं, जो साइज में कंपैरेटिव बड़े हैं फर्स्ट पेयर ऑफ टेंटिकल के। ये टेंटिकल्स टैक्टाइल हैं, ये ऑल्फैक्टरी हैं, टच को सेंस करते हैं, स्मेल को सेंस कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर हम हेड रीजन में देखें तो सेकंड पेयर ऑफ टेंटिकल के जस्ट बिहाइंड देखो आपको छोटे से स्टॉक दिखेंगे जिनको ओमेटोफोर का नाम देते हैं, और इन्हीं ओमेटोफोर की टिप पे आइज प्रेजेंट होती हैं। ओमेटोफोर की टिप पे आइज प्रेजेंट होंगी। इस फोटोग्राफ में भी आप देख सकते हो ये फर्स्ट पेयर ऑफ टेंटिकल छोटे साइज में है, स्मॉलर इन साइज, सेकंड लार्जर इन साइज, सेकंड पेयर ऑफ टेंटिकल या ट्रू टेंटिकल, और इन सेकंड पेयर ऑफ टेंटिकल के जस्ट बिहाइंड यहाँ पे स्टॉक ओमेटोफोर जिसकी टिप पे आइज प्रेजेंट है, जो फोटो सेंसिटिव है, विजन में हेल्प करते हैं। वहीं अगर हम देखें तो हेड रीजन में हेड के माउथ रीजन के दोनों साइड पे स्पेशल टाइप के फोल्ड प्रेजेंट है जिनको सीडोपोडिया या न्यूट्रल लोब के नाम से जानते हैं। जिसमें से एक देखो, ये आपको लोब या फोल्ड दिखेगा, इसको हम लेफ्ट सीडोपोडिया लोब के नाम से जानते हैं या लेफ्ट न्यूट्रल लोब, और वहीं राइट साइड पे यहाँ पे एक राइट न्यूट्रल लोब या राइट सीडोपोडियल लोब। इन दोनों को आप कंपेयर कर सकते हो। जो लेफ्ट न्यूट्रल लोब है वो वेल डेवलप्ड है एज कंपेयर टू राइट न्यूट्रल लोब। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। हेड रीजन में ही हेड के जस्ट बिहाइंड ये लोब्स प्रेजेंट है। लेफ्ट लोब वेल डेवलप्ड है, हाईली डेवलप्ड है एज कंपेयर टू राइट लोब। देन हम फुट के बारे में देखते हैं। ये सब चीजें हेड रीजन में हमने तीन मेन चीजें देखी, टेंटिकल्स, आईज और लोब्स। अब बात करते हैं फुट रीजन की। इस फोटोग्राफ में देखो, जो ऊपर फोटोग्राफ है इसमें ये जो बॉडी पार्ट सरफेस को टच कर रहा है, ग्राउंड को टच कर रहा है, इसको हम फुट का नाम देते हैं। ये लार्ज है, मस्कुलर है, ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है जो इसको वॉकिंग में मेनली लोकोमोशन में हेल्प करेगी, क्रीपिंग टाइप ऑफ लोकोमोशन में हेल्प करेगी। इस फुट में दो मेन पार्ट होते हैं, इसके इंटीरियर पार्ट को प्रोपोडियम का नाम देते हैं और इसके पोस्टीरियर पार्ट को मेटापोडियम। anterior part is propodium and posterior part is metapodium। वहीं देखो foot के पास, ये foot की dorsal side पे देखो, posterior side पे एक आपको plate like structure दिखेगी। this plate like structure is known as operculum। जब organism shell के अंदर चला जाएगा तो ये plate like जो structure है ये इसके mouth को, इस shell की opening को close कर देगी ताकि किसी भी predator या enemy से बचा जा सके। तो फुट के साथ ही अटैच्ड प्रेजेंट होता है अपरक्यूलम, जो इसके माउथ को कवर करने के लिए होता है, जो एक टाइप का प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके विसरल ऑर्गन या विसरल मास की। तो ये बॉडी का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है। इस फोटोग्राफ में आप देखो ये जितने भी ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं जो शेल के अंदर रहते हैं, मैंने बताया था सिर्फ हेड और फुट शेल से बाहर आ सकते हैं, अदरवाइज जितने भी ऑर्गन्स हैं वो शेल के अंदर रहते हैं। इन्हीं विसरल ऑर्गन्स के मास को विसरल मास, दैट इज कलेक्टिवली फॉर्म्ड बाय ऑल द विसरल ऑर्गन्स। तो ये शेल के अंदर ही रहेंगे, इनको विसरल ऑर्गन या विसरल मास का नाम देते हैं। एक्चुअली मैं आपको बताया था ये कोल्यूमेला के अराउंड स्पाइरली क्वाइल्ड मैनर में प्रेजेंट होते हैं।
रिमेन इन अ क्वाइल्ड मैनर अराउंड कोलुमेला, उसके आसपास रहते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें इसमें मेंटल और पैलियम, तो आपको याद रखना होगा शेल के अंदर की तरफ एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है, एक आप कह सकते हो बॉडी कवरिंग प्रेजेंट होती है शेल के अंदर की तरफ, जिसको मेंटल या पैलियम का नाम देते हैं। इट इज अ थिन ग्लैंडुलर मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर मेंटल और पैलियम, जो बॉडी ऑर्गन या विसल ऑर्गन को कवर करेगी। इसी मेंटल या पैलियम के बेस पे हम मोलस्का को आइडेंटिफाई भी करते हैं। इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मोलस्का, ये मोलस्का के अंदर मिलती है और किसी ऑर्गेनिज्म में नहीं मिलती। आप इस फोटोग्राफ में अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो बाहर की ब्राउन सी कवरिंग है ये तो शेल है, और उसके अंदर की तरफ ये जो ग्रीन लेयर है, सेकेंड ग्रीन लेयर, इट इज मेंटल और पैलियम, डेट इज अ मेम्ब्रेनस बॉडी कवरिंग। इस मेम्ब्रेनस बॉडी कवरिंग का जो एंटीरियर एंड है वो थिक और पिगमेंटेड है। इसी मेंटल और पैलियम के पास शेल सिक्रीटिंग ग्लैंड्स हैं जो शेल फॉर्मेशन का काम करती हैं। शेल नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है और मेंटल और पैलियम ये लिविंग स्ट्रक्चर है। ये मेंटल और पैलियम, इसके पास शेल सिक्रीटिंग ग्लैंड्स हैं जो शेल फॉर्मेशन का काम करती हैं। देन अगर हम इसमें देखें तो यही वो मेंटल और पैलियम है जो इसके सीडोपोडिया या न्यूट्रल लोब फॉर्मेशन कर रहा था। हमने अभी देखा था यहाँ पे, याद करो, एक हमने लेफ्ट न्यूट्रल लोब स्टडी किया था, एक हमने राइट न्यूट्रल लोब स्टडी किया था। लेफ्ट को बोला था वेल डेवलप्ड और राइट को बोला था पुअरली डेवलप्ड। ये लोब्स भी इसी मेंटल और पैलियम से बने होते हैं कि जब बॉडी कवरिंग, जो बॉडी को कवर कर रही है, ये ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कर रही है, ये शेल को स्क्रीट कर रही है, ये मोलस्का का आइडेंटिफाइंग फीचर है जो राइट और लेफ्ट न्यूट्रल लोब की फॉर्मेशन भी ये स्ट्रक्चर करती है। नेक्स्ट अगर हम इसमें देखें मेंटल और पैलियम कैविटी, तो इस बॉडी मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर के अंदर एक स्पेसियस चैम्बर प्रेजेंट है, जिस स्पेसियस चैम्बर को मेंटल कैविटी या पैलियल कैविटी का नाम देते हैं। मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर को मेंटल का नाम दिया तो इसके अंदर की कैविटी मेंटल कैविटी, या इसको पैलियल का नाम देते हैं तो अंदर की कैविटी पैलियल कैविटी हो जाएगी। तो इट इज अ स्पेसियस चैम्बर, और इसी स्पेसियस चैम्बर के अंदर इसके सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं, चाहे वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, चाहे वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं, वो इसी कैविटी के अंदर प्रेजेंट होंगे, जिसको हम मेंटल कैविटी या पैलियल कैविटी का नाम देते हैं। देन पैलियल कॉम्प्लेक्स, इस पैलियल कैविटी में जितने भी ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं उनको कलेक्टिवली पैलियल कॉम्प्लेक्स का नाम देंगे। ऑल दी ऑर्गन्स प्रेजेंट इनसाइड मेंटल कैविटी दे फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स मास विच इज नोन एज पैलियल कॉम्प्लेक्स। इट इज ऑल्सो नोन एज ऑर्गन्स ऑफ पैलियल कॉम्प्लेक्स। कौन कौन से ऑर्गन इसके अंदर प्रेजेंट हैं वन बाय वन अगर हम देखें तो इसके अंदर एपिटेनिया प्रेजेंट है, जिसको हम गिल्स का नाम देते हैं। इसके अंदर जेनिटल स्ट्रक्चर है, इसके अंदर ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं, रीनल स्ट्रक्चर्स हैं। तो वन बाय वन उनको हम ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एपिटेनिया की। एपिटेनिया में अगर हम देखें तो ये प्रोमिनेंट रिज की फॉर्म में प्रेजेंट है। अगर हम एपिटेनिया इस फोटोग्राफ में देखें, यहाँ पे देखो आप ध्यान से, यहाँ पे ये एक रिज प्रेजेंट है, देखो जो पोस्टीरियर एंड तक जा रहा है। ये बॉडी की राइट साइड से राइज होगा, एक फोल्ड, एक रिज जो बॉडी के पोस्टीरियर एंड तक जा रहा है, इसी रिज को हम एपिटेनिया का नाम देखें। आप इस फोटोग्राफ में भी देख सकते हो, क्लियरली दिखा हुआ है एपिटेनिया। इस एपिटेनिया की वजह से पाइला की बॉडी दो इनकम्प्लीट पार्ट्स में डिवाइड हो गई। इसका जो राइट पार्ट है देखो ये स्मॉलर है, और इसका जो लेफ्ट पार्ट है वो देखो लार्जर है। दिस एपिटेनिया इट डिवाइड द बॉडी इंटू टू अनइक्वल पार्ट, वन राइट स्मॉलर जिसको हम ब्रांचियल चैम्बर का नाम देंगे। ये राइट साइड पे जो स्मॉलर चैम्बर है इट इज नोन एज ब्रांचियल चैम्बर, और ये लेफ्ट साइड पे जो लार्जर चैम्बर है इसको हम पल्मोनरी चैम्बर का नाम देंगे। इस ब्रांचियल चैम्बर में गिल्स प्रेजेंट है, गिल्स के लिए वर्ड ब्रांचियल यूज करते हैं तो ब्रांचियल चैम्बर। इस लेफ्ट साइड में अगर हम देखें तो लंग्स प्रेजेंट है, लंग्स के लिए हम वर्ड पल्मोनरी यूज करते हैं तो इसको पल्मोनरी चैम्बर का नाम दे दिया।
तो इस तरह से एपिटेनिया बॉडी को दो अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ब्रेंचियल और पल्मोनरी चैम्बर। सेकेंड कंपोनेंट देखें तो पल्मोनरी सैक, हमने अभी देखा बॉडी की लेफ्ट साइड पे ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जो रेस्पिरेशन में रोल प्ले करती है, लंग्स का काम करती है, जिसको हम पल्मोनरी सैक का नाम देते हैं। ये एरियल रेस्पिरेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये पल्मोनरी सैक, यहाँ पे देखो आप एक अपर्चर से ओपन कर रहे हैं, दिस अपर्चर इज नोन एज पल्मोनरी अपर्चर, और इसको न्यूमेटोस्टोम्स का नाम भी देते हैं। पाउच को नाम दिया पल्मोनरी पाउच, पल्मोनरी सैक, तो अपर्चर को क्या नाम दे देंगे हम, पल्मोनरी अपर्चर। ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, एरियल रेस्पिरेशन में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसमें ऑस्फ्रेडियम प्रेजेंट है। यहाँ पे आप देखो ये छोटी सी लीफ लाइक स्ट्रक्चर, इसी पल्मोनरी सैक के बेसल एरिया पे, उसके लोअर रीजन पे एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, ओवल शेप्ड। यहाँ पे इस फोटोग्राफ में हमें और क्लियर दिखेगी ये। यहाँ पे देखो ये पल्मोनरी सैक प्रेजेंट थे, ये इनकी लोअर साइड पे लीफ लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम ऑस्फ्रेडियम का नाम देते हैं। ये स्ट्रक्चर एक्चुअली में सेंसरी इन नेचर है, ये इनकमिंग वाटर का टेस्ट सेंस करेगी कि वो सूटेबल है या नहीं, उसमें कोई पॉइजन कंपोनेंट या कुछ अनवांटेड पार्टिकल तो नहीं प्रेजेंट, उसके लिए ऑस्फ्रेडियम प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट अगर हम राइट साइड पे देखें तो वहाँ पे टेनिडियम या गिल्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये जो डार्क सा स्ट्रक्चर शो कर रखा है, दिस इज टेनिडियम और गिल्स, जो एक टाइप का एक्वेटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। अगर हमने पल्मोनरी सैक को एरियल रेस्पिरेटरी ऑर्गन बोला तो हम गिल्स को एक्वेटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन का नाम देंगे। याद करो हमने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था ये एम्फीबियस ऑर्गेनिज्म है, मतलब ये वाटर एज वेल एज टेरेस्ट्रियल दोनों टाइप के एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकता है। वाटर में रेस्पिरेशन के लिए गिल्स प्रेजेंट है और टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में रेस्पिरेशन के लिए पल्मोनरी सैक प्रेजेंट है। ये गिल्स राइट साइड पे प्रेजेंट है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो राइट साइडेड गिल्स होती हैं इनके अंदर, राइट साइड पे गिल्स। इनको आगे हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट अगर हम इसमें देखें तो रेक्टम रीजन प्रेजेंट है, इन्हीं गिल्स के इनर साइड पे देखो, यहाँ पे जो येलो कलर की ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, दिस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इज नोन एज रेक्टम, जो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, जो अनडाइजेस्टेड फिकल मैटर को बॉडी से डिस्चार्ज करने में रोल प्ले करेगा। ये राइट न्यूट्रल लोब के बिल्कुल क्लोज ये ओपन करता है, एक अपर्चर के थ्रू ओपन करेगा, जिस अपर्चर को हम एनस का नाम देंगे। इस राइट न्यूट्रल लोब के जस्ट क्लोज इट ओपन आउटसाइड थ्रू अपर्चर नोन एज एनस। फंक्शन आपको पता है, ये अनडाइजेस्टेड फिकल मैटर को बॉडी से रिमूव करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। नेक्स्ट इसी रीजन में जेनिटल डक्ट भी प्रेजेंट है। मेल होगा ऑर्गेनिज्म तो वासा डिफरेंशिया बोल देंगे, अगर इंडिविजुअल फीमेल होगा तो उसको हम वजाइना का नाम देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो इस रेक्टम की जस्ट इनर साइड पे ये वाइट ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दिख रही है, गिल्स की इनर साइड पे या गिल्स की लेफ्ट साइड भी हम बोल सकते हैं, गिल्स की लेफ्ट साइड पे रेक्टम प्रेजेंट था और रेक्टम की लेफ्ट साइड पे ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर फीमेल इंडिविजुअल में वेजाइना और मेल इंडिविजुअल के अंदर इसको हम वासा डिफरेंशिया, कॉमनली हम इसको जेनिटल डक्ट का नाम देंगे। वहीं अगर इंडिविजुअल मेल है तो उसमें अगर हम देखें गैमेट्स ट्रांसफर करने के लिए पेनिस प्लस हाइपोब्रेंचियल ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगे जो फीमेल के अंदर नहीं होते। ये जो पिनियल स्ट्रक्चर है ये डायरेक्टली जेनिटल डक्ट के साथ ज्वाइन नहीं होती, ये ब्रीडिंग सीजन में कोपुलेटरी एक्टिविटी के टाइम ये जेनिटल डक्ट के साथ ज्वाइन करेगी और गैमीट ट्रांसफर करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी। वहीं अगर हम देखें तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन किडनी, वो भी इसके अंदर बॉडी के बिल्कुल पोस्टीरियर साइड पे प्रेजेंट होंगे। हम इस फोटोग्राफ में उसको अच्छे से देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो बॉडी का पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट है दिस वन, यहाँ पे इसकी किडनी प्रेजेंट होती है, इनको हम रीनल ऑर्गन, रीनल सैक का नाम भी देंगे। तो वो भी इसी जो विसल कॉम्प्लेक्स है इसका, उसका एक पार्ट है जिसमें रेडिश कलर की स्ट्रक्चर बॉडी के पोस्टीरियर एंड के पास प्रेजेंट होंगी। ये रीनल स्ट्रक्चर बाहर एक अपर्चर से ओपन करेंगे जिसको हम रीनल अपर्चर का नाम देंगे।
किडनीज को नाम देंगे रीनल स्ट्रक्चर, रीनल चैम्बर, तो उनकी अपर्चर को हम नाम देंगे रीनल अपर्चर। नेक्स्ट अगर हम इसमें देखें बॉडी कैविटी, जिसको हम जनरली सिलोम का नाम भी देते हैं, तो पाइला ग्लोबोसा में अगर हम देखें बॉडी कैविटी प्लस हिमोसिल दोनों ही स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं, दोनों ही कैविटीज प्रेजेंट होती हैं, बट सिलोम हाईली रिड्यूस्ड फॉर्म में प्रेजेंट है, क्योंकि हिमोसिल एक ऐसा स्पेस जिसके अंदर ब्लड प्रेजेंट है वो वेल डेवलप्ड है, दैट्स व्हाई सिलोम इनका रिड्यूस्ड फॉर्म में प्रेजेंट है। ये सिलोम किडनी के अराउंड प्रेजेंट होगा, गोनेड्स के आसपास प्रेजेंट होगा, अदरवाइज बॉडी के अंदर ब्लड स्पेस या ब्लड साइनस प्रेजेंट होते हैं जिनको हिमोसिल का नाम देते हैं। याद करो हमने आपको बताया था इनके अंदर ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ब्लड ब्लड वेसल से बाहर बॉडी कैविटीज में प्रेजेंट होगा जिसको हम हिमोसिल का नाम देंगे। बॉडी वॉल की बात करें जिसको जनरली इंटेगमेंट के नाम से भी जानते हैं, इस बॉडी वॉल में दो मेन लेयर, एक एपिडर्मिस और दूसरी डर्मिस, आप इस फोटोग्राफ में देख सकते हो। ये जो बाहर की तीन लेयर दिख रही हैं जिसपे 1, 2, 3 लिखा हुआ है, ये शेल की लेयर्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं। थ्री लेयर्स हमने शेल में स्टडी की थी, ये शेल की लेयर को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ये जो नीचे वाला पार्ट है दिस वन, ये इनकी बॉडी वॉल या इंटेगमेंट है, जिसमें फोर्थ नंबर पे एपिडर्मिस सिंगल सेल लेयर से बनी हुई है, और जो फिफ्थ है ये इनकी डर्मिस है। डर्मिस में हमेशा की तरह कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड वेसल, नर्व फाइबर, मसल टिश्यू, ये सभी प्रेजेंट होंगे। लोकोमोशन की बात करें, हमने पहले देखा पाइला के अंदर जो लोकोमोशन है वो मस्कुलर फुट की हेल्प से होगी, जो ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर होती है हाईली मस्कुलर होती है, ये फुट लोकोमोशन में क्रीपिंग टाइप ऑफ लोकोमोशन में हेल्प करेंगे। इन्हीं फुट के पास ट्रांसवर्स मसल्स होते हैं जो सीरीज ऑफ वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जनरेट करेंगे, वो वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बैकवर्ड मूव करेगी, दैट्स व्हाई ऑर्गेनिज्म फॉरवर्ड मूव करेगा। बहुत कम स्पीड होती है इनकी, जो मैक्सिमम स्पीड है 5 सेंटीमीटर पर मिनट स्पीड से ये ट्रेवल करते हैं, क्रीपिंग टाइप ऑफ मूवमेंट शो करते हैं विद हेल्प ऑफ मस्कुलर फिट जो बॉडी के लोअर रीजन पे प्रेजेंट हो। नेक्स्ट डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर हम देखें तो हमने पहले भी देखा हुआ है इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट टाइप का है, जिसमें स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ अप टू एनल रीजन, माउथ फॉर इंजेशन एंड एनस इज फॉर इंजेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। कोई भी ऑर्गेनिज्म हो उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम दो मेन कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, एक एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड। सेम पाइला ग्लोबोसा में एलिमेंट्री कैनाल एज वेल एज डाइजेस्टिव ग्लैंड दोनों ही कंपोनेंट हैं। पहले हम बात करते हैं एलिमेंट्री कैनाल की, हमेशा की तरह एलिमेंट्री कैनाल को फर्दर 3 सब पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फोरगट जिसको स्टोमोडियम का नाम देते हैं, मिडगट मेजेंट्रोन का नाम देते हैं, और हाइंडगट प्रोक्टोडियम का नाम देते हैं। फोरगट में माउथ, बक्कल कैविटी एंड ओसोफेगस तीन चीज़ें प्रेजेंट है, मिडगट में स्टमक और इंटेस्टाइन प्रेजेंट है, वहीं हाइंडगट की बात करें तो उसमें रेक्टम एंड एनल रीजन प्रेजेंट है। सबसे पहले फोरगट को देखते हैं, जिसमें हमने तीन कंपोनेंट देखे थे, माउथ, बक्कल कैविटी एंड ओसोफेगस। अगर हम इसके माउथ की बात करें तो माउथ इसका वर्टिकल स्लिट लाइक अपर्चर है, जिसके पास ट्रू लिप्स प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे सेकेंडरी टाइप ऑफ लिप्स या फॉल्स लिप्स प्रेजेंट है, बट ट्रू लिप्स यहाँ पे टोटली एबसेंट होते हैं। ये इसका माउथ रीजन शो किया गया, दिस वन, दिस इज माउथ रीजन, फोटोग्राफ में हम देख सकते हैं इसको, वर्टिकल अपर्चर बाउंडेड बाय फॉल्स लिप, ट्रू लिप्स टोटली एबसेंट होते हैं। माउथ ओपन करेगा एक कैविटी के अंदर जिसको हम बक्कल कैविटी का नाम देंगे। इस बक्कल कैविटी में एक पियर शेप स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, दिस पियर शेप स्ट्रक्चर इज नोन एज बक्कल मास। कैविटी इज नॉट एम्प्टी, हैविंग अ पियर शेप स्ट्रक्चर नोन एज बक्कल मास। ये लार्ज थिक वॉल्ड हाईली मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है जो बक्कल कैविटी के फ्लोर से रेज हो रही है, आप फोटोग्राफ में देख सकते हो। दिस मस्कुलर स्ट्रक्चर इट अराइज फ्रॉम फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी नोन एज बकल मास। यहाँ पे एक वर्टिकल जा भी प्रेजेंट है, आप देख सकते हो देयर इज जा, एक्चुअली में पेयर ऑफ जा प्रेजेंट है लेटरल साइड पे, हमें सिंगल दिखेगी। अगर हम फ्रंट से देखेंगे तो हमें दो दिखेंगे जा, और लेटरल साइड से देखेंगे तो हमें सिंगल जा दिखेगी। इस जॉ की वजह से इसकी जो बकल कैविटी है दो अनइक्वल पार्ट में डिवाइड होगी, आप देख सकते हो। ये एंटीरियर स्मॉलर चैम्बर जो है इसको हम वेस्टिब्यूल का नाम देंगे,
और ये जो पोस्टीरियर लार्जर चैम्बर है इसको हम बक्कल कैविटी का नाम देंगे। एंटीरियर स्मॉलर वेस्टिब्यूल एंड पोस्टीरियर लार्जर इज बक्कल कैविटी। बक्कल मास में देखें अगर हम क्या क्या प्रेजेंट है, तो यहाँ पे बक्कल मास के अंदर देर इज ए मस्कुलर स्ट्रक्चर विच इज नोन एज टंग मास और ओडोंटोफोर। ये जो मस्कुलर स्ट्रक्चर है दिस वन, यहाँ पे ये कर्सर मूव कर रहा है, दिस मस्कुलर स्ट्रक्चर इसको हम टंग मास या ओडोंटोफोर का नाम भी देते हैं। इसको स्पेशल टाइप के कार्टिलेज सपोर्ट कर रहे हैं और ये मेम्ब्रेन से कवर्ड है। इसकी मेम्ब्रेन को हम सब रेड्यूलर मेम्ब्रेन का नाम देंगे। दिस मस्कुलर स्ट्रक्चर इज कवर्ड बाय मेम्ब्रेन, कवर्ड बाय इलास्टिक मेम्ब्रेन विच इज नोन एज सब रेड्यूलर मेम्ब्रेन। वहीं अगर हम देखें ओडोंटोफोर का जो एंटीरियर पार्ट है, यहाँ पे देखो इस ओडोंटोफोर का एंटीरियर पार्ट, इट फॉर्म अ फॉरवर्ड डायरेक्टेड प्रोजेक्शन। यहाँ पे देखो एक फॉरवर्ड डायरेक्टेड प्रोजेक्शन है। दिस फॉरवर्ड डायरेक्टेड प्रोजेक्शन इज नोन एज सब रेड्यूलर ऑर्गन। हम इस बकल मास को स्टडी कर रहे हैं। ये मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो फ्लोर ऑफ बकल कैविटी से अराइज हो रही है, जिसको हमने ओडोंटोफोर का नाम दिया है, जिसको सपोर्ट करने के लिए कार्टिलेज प्रेजेंट है। इसका एंटीरियर एंड फॉरवर्ड डायरेक्टेड प्रोजेक्शन बना रहा है जिसको हम सब रेड्यूलर ऑर्गन का नाम देंगे। मेम्ब्रेन को मैंने आपको बताया ये एक मेम्ब्रेन से कवर्ड स्ट्रक्चर है। वहीं आप देखो इसी बक्कल कैविटी के पोस्टीरियर एंड पे, जहाँ ये कर्सर मूव कर रहा है, पोस्टीरियर एंड पे कुछ एक ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं जिनको हम बक्कल ग्लैंड्स का नाम देते हैं। ये बक्कल ग्लैंड डाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, कुछ ना कुछ डाइजेस्टिव सिक्रीशन रिलीज करेंगी जिसके पास डाइजेस्टिव एंजाइम होंगे। तो फूड डाइजेशन के लिए यहाँ पे बक्कल ग्लैंड बक्कल कैविटी की रूफ पे भी आप कह सकते हो पोस्टीरियर साइड रूफ पे प्रेजेंट होती है। नहीं देखो आप अगर हम देखें इसी ओडोंटोफोर के बिहाइंड एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम रेड्यूलर सैक का नाम देंगे। और इस पाउच के अंदर देखो एक रिबन शेप स्ट्रक्चर दिख रही है जिसका नाम रेड्यूला। देर इज अ रिबन शेप स्ट्रक्चर नोन एज रेड्यूला जिस पाउच के अंदर प्रेजेंट है, उस पाउच को रेड्यूलर पाउच का नाम दे देंगे और इस स्ट्रक्चर को हम रेड्यूला का नाम देते हैं। एक्चुअली में ये जो रेड्यूला है ये मूवेबल है, ये कर्व्ड रिबन शेप स्ट्रक्चर जो मूव करती है, इसके ऊपर स्पेशल टाइप के टीथ प्रेजेंट होते हैं। ये कर्व्ड है, मूवेबल है, इसके पास स्पेशल टाइप के टीथ प्रेजेंट होंगे। इन टीथ के बारे में अगर हम देखें, यहाँ पे आप टीथ के बारे में देख सकते हो, टीथ रो की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। इस फोटोग्राफ में देखो आपको हॉरिजेंटल लाइंस दिख रही हैं। एक्चुअली में जो हॉरिजेंटल लाइंस हैं ये टीथ की रो है। और एक रो के अंदर अगर हम देखें सिंगल रो हैविंग कितने टीथ हैं इसके पास, ईच रो हैविंग अ सेट ऑफ टीथ जिसमें 2, 3, 4, 5 एंड 2, 7, सेवन टीथ, ईच रो हैविंग सेवन टीथ। इन सेवन में कौन कौन से प्रेजेंट हैं, एक मीडियन, दो लेटरल और टू पेयर मीन्स फोर मार्जिनल, सिंगल मीडियन, टू लेटरल एंड फोर मार्जिनल। फोर में से दो आउटर मार्जिनल और दो इनर मार्जिनल मीन्स ईच रो ऑफ रेड्यूला हैविंग सेवन टीथ जो आगे फूड की मेस्टिकेशन में प्लस फूड की स्वेलोविंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये जो रेड्यूलर स्ट्रक्चर है इट इज रिबन लाइक स्ट्रक्चर, ये चेन्स ऑफ मूवमेंट करती है। इस फोटोग्राफ में आप देखो ये फॉरवर्ड मूव करेगी ऐसे, जब ये फॉरवर्ड मूव करेगी तो वहां से फूड पार्टिकल पिक करेगी, देन फिर ये बैकवर्ड जाएगी, फिर फॉरवर्ड बैकवर्ड, तो इस टाइप से एक मूवमेंट शो करती है जो फूड पार्टिकल को ट्रैवल करने में, फूड पार्टिकल की मेस्टिकेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा क्योंकि इसके पास स्पेशल टाइप के टीथ प्रेजेंट है रो की फॉर्म में, एंड ईच रो हैविंग सेवन टीथ जिनको हमने फर्दर सब पार्ट्स में डिफरेंशिएट किया था कैटेगरी में, जिनमें सिंगल मीडियम, टू लेटरल एंड फोर मार्जिनल टीथ प्रेजेंट होते हैं। वहीं नेक्स्ट हम पार्ट देखें तो ओसोफेगस, इस फोटोग्राफ में आप देख सकते हो ये जो लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है इसको हम ओसोफेगस का नाम देते हैं। ये एक साइड से तो बक्कल कैविटी के साथ अटैच होती है और दूसरी साइड से स्टमक के साथ अटैच है। दिस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इज नोन एज ओसोफेगस।
और यहाँ पे आप देख सकते हो ओसोफेगस की डाउनवर्ड एक्सटेंशन प्रेजेंट है, जिनको हम ओसोफेजियल सैक का नाम देते हैं। ये ओसोफेजियल सैक सेल्वरी ग्लैंड के जस्ट बिहाइंड, ये सेल्वरी ग्लैंड है, इन सेल्वरी ग्लैंड के जस्ट बिहाइंड ये ओसोफेजियल पाउच या ओसोफेजियल सैक प्रेजेंट होते हैं। ओसोफेगस अगर हम देखें तो आगे ओपन करेगी स्टमक के अंदर, और स्टमक फर्दर दो सब पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिनमें से फर्स्ट पार्ट कार्डिक एंड सेकंड पार्ट की बात करें तो पाइलोरिक। ये जो फर्स्ट पार्ट है जो हमें राउंडेड सा दिख रहा है, इसको हम कार्डिक स्टमक का नाम देते हैं, और ये ट्यूबुलर जो पार्ट है सेकंड पार्ट, इसको हम पाइलोरिक स्टमक का नाम देते हैं। कार्डिक स्टमक ओसोफेगस के साथ कनेक्टेड होता है, और जो पाइलोरिक स्टमक है वो आगे इंटेस्टाइन के साथ कनेक्टेड होगा। इसी पाइलोरिक स्टमक के पास एक आपको सिकम, एक एक्सटेंशन दिखेगी, जिसको हम पाइलोरिक सिकम का नाम देते हैं, जो डाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वहीं अगर हम इंटेस्टाइन की बात करें तो जो ये लॉन्ग कॉइल्ड पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का, दिस लॉन्ग कॉइल्ड पार्ट जो बैकवर्ड एक्सटेंड कर रहा है, इसको हम इंटेस्टाइन का नाम देते हैं, जिसका हाइंडर मोस्ट पार्ट, जिसका पोस्टीरियर पार्ट रेक्टम, और ये एक अपर्चर के थ्रू बाहर ओपन करेगा, जिसको हम एनस का नाम देंगे। और ये एनस हमने पीछे डायग्राम में देखा था, ये गिल्स के बिल्कुल लेफ्ट साइड प्रेजेंट था। यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये डार्क पार्ट गिल्स था, इसके बिल्कुल लेफ्ट साइड पे ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, येलो कलर की ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, इसकी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को हमने रेक्टम नाम दिया, और इसका जो एंड पार्ट है उसको हमने एनस का नाम दिया। तो इस तरह से इसमें एलिमेंट्री कैनाल, जिसको हमने पहले फोरगट, मिडगट और हाइंड गट, देन हमने इसमें माउथ, बकल मास, बकल मास के अंदर अगर हम देखें इसमें ओडोन्टोफोर, रेड्यूला, रेड्यूला के अंदर टीथ, देन ओसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन और रेक्टम के बारे में डिस्कस किया। अब बात करते हैं इसकी डाइजेस्टिव ग्लैंड की। अगर हम डाइजेस्टिव ग्लैंड में देखें तो यहाँ पे थ्री टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रेजेंट है, जिनमें सेल्यूरी ग्लैंड, बकल ग्लैंड और हिपेटोपैनक्रियाटिक ग्लैंड, तीन टाइप की ग्लैंड। पहले हम बकल और सेल्यूरी ग्लैंड की बात करते हैं। मैंने आपको पहले बता दिया ये बकल ग्लैंड और सेल्यूरी ग्लैंड, ये बकल कैविटी में माउथ रीजन में प्रेजेंट होती हैं। आप फोटोग्राफ में भी देख सकते हो बकल कैविटी की रूफ पे बकल ग्लैंड थी, और ओसोफेजियल पाउच की एंटीरियर साइड पे, आप यहाँ पे देखो ओसोफेजियल पाउच की एंटीरियर साइड पे सेल्यूरी ग्लैंड प्रेजेंट थी। ये दोनों ही सीक्रेशन रिलीज करेंगी जो डाइजेस्टिव सिस्टम में रोल प्ले करेंगी। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हिपेटो पैनक्रियाटिक ग्लैंड, ये लार्ज साइज की कोनिकल ग्लैंड है, आप इस फोटोग्राफ में देख सकते हो लार्ज साइज की कोनिकल ग्लैंड, जो समवट ब्राउनिश इन कलर है, जो बॉडी के पोस्टीरियर मोस्ट जो क्वाइलिंग थे, जिसमें हमने अपेक्स का नाम दिया था, जो वॉल थे वहाँ पे प्रेजेंट होती है। इस ग्लैंड के पास थ्री टाइप के सेल्स हैं, स्क्रीटरी सेल्स, रिजोप्टिव सेल्स एंड लाइम कंटेनिंग सेल्स। स्क्रीटरी सेल्स एंजाइम रिलीज करेंगे, रिजोप्टिव सेल्स प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करेंगे, और लाइम कंटेनिंग सेल्स ये कैल्शियम फॉस्फेट वगैरह को स्टोर करेंगे, ताकि आगे शेल फॉर्मेशन में उनको यूज किया जा सके। तो इस तरह से बॉडी के पास, पाइला ग्लोबोसा के पास तीन टाइप की डाइजेस्टिव ग्लैंड, जिनमें बक्कल ग्लैंड, सेल्वरी ग्लैंड और हिपेटोपैनक्रियाटिक ग्लैंड। इस हिपेटोपैनक्रियाटिक ग्लैंड से डक्ट राइज होंगी, ये डक्ट आगे एलिमेंट्री कैनाल के साथ कनेक्टेड होंगी, जो भी इनकी सीक्रेशन है एलिमेंट्री कैनाल में पास की जाएगी, ताकि फूड का डाइजेशन, मेनली ये स्टमक के अंदर ओपन करती है इनकी डक्ट, ताकि फूड का डाइजेशन किया जा सके। फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन में अगर हम देखें तो यहाँ पे इंजेशन होगा फूड का, ये सॉफ्ट वेजिटेशन जो लीफ है एक्वाटिक प्लांट की उन पे फीड करती हैं, माउथ की हेल्प से फीड करेंगे तो इंजेशन का नाम देंगे। देन डाइजेशन होगा विद द हेल्प ऑफ ग्लैंड्स, विद द हेल्प ऑफ सीक्रेशन ऑफ बकल ग्लैंड, सेल्वरी ग्लैंड एंड हिपेटोपैनक्रियाटिक ग्लैंड। जो फूड डाइजेस्ट किया गया है वो इंटेस्टाइन में अब्जॉर्ब होगा विद द हेल्प ऑफ विलाई, जो सरफेस एरिया इंक्रीज करेंगे, फूड का एब्जॉर्ब किया जाएगा। और फाइनली जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो रेक्टम एनल रीजन के थ्रू बॉडी से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही, अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, अदरवाइज नेक्स्ट लेक्चर में हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे।